उद्धव गुट के सांसद संजय राउत द्वारा कथित तौर पर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। संजय राउत के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। ये विशेषाधिकार हनन समिति की प्रारंभिक बैठक हुई है। माननीय अध्यक्ष, आज ये प्रकरण जिसकी नोटिस मैंने दी थी वो विशेषाधिकार समिति के पास देंगे या नहीं देंगे इसका निर्णय घोषित करेंगे। यदि वो देंगे तो विशेषाधिकार हनन समिति जो है वो उसके बारे में सोचेगी। सर, जिस प्रकार से अब एक लेटर सामने आया संजय राउत का, जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया था, उनको समय देखिए 3 मार्च तक उनको अपना जवाब देना है। उन्होंने एक पत्र जाहिर किया स्पीकर को लेकर, उन्होंने कहा है कि मैं महाराष्ट्र के दौरे पर था, मुझे इतना समय नहीं मिला। कई बार तो उन्होंने ये भी कहा कि वो जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना कि प्रधानमंत्री, वो एक पक्ष के लिए गठ को लेकर। देखो, संजय राउत जी ने क्या खत लिखा है ये मैंने देखा नहीं, क्योंकि उन्होंने वो माननीय अध्यक्ष जी को लिखा है। लेकिन जो मैंने हक्कभंग दायर किया है वो क्लियर कट है कि विधिमंडल नवे सौरमंडल, ऐसा उन्होंने बोला है। और यदि माननीय अध्यक्ष ये विशेषाधिकार हक्कभंग समिति के पास देंगे तो उसके बारे में वो समिति सोचेंगे। कितनी बार नोटिस रखते हो देश में संजय राउत को और उनका रिप्लाई आप लोगों को दिखा? नहीं, देखो, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं वो विशेषाधिकार हक्कभंग समिति का सदस्य, उसकी एक बैठक हुई है, वो बैठक तक तो माननीय अध्यक्ष जी ने ये प्रकरण हमारे पास दिया नहीं था और उसके लिए उसके बारे में सोचने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। यदि वो हमारे पास देंगे तो उसके बाद विशेषाधिकार हक्कभंग समिति उसके बारे में सोचेगी। सर, आखिरी क्वेश्चन, जो पत्र उन्होंने लिखा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि मैंने किसी पूरा विधानमंडल को देखा है, उन्होंने अपनी एक प्रकार की सफाई दी है। सर, देखो, मैंने वो पत्र देखा ही नहीं है और इसके लिए उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं।